तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग सुबह सुबह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि सुबह सुबह पता है नींद अच्छी आती है तो उस टाइम पता नहीं एसी क्यों बंद हो गया, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और नींद भी जल्दी खुल गया। लेट नाइट सोए और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए, थोड़ा सा थकावट और बढ़ जाती है। तो मैंने सुबह सुबह इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया है। सुबह क्या सुबह का बुक किया हूँ, अभी आए हैं, दोपहर के बज गए हैं 1:15। भैया सही कह रहे हैं बाहर। बुक करने के बाद 2 घंटे बाद आते हैं। बाबू भी हमारी नहीं सही है यार। क्या कर रहे हो तुम? घूम रहे हो? बाप घूम रहे हो? वाकर में, वाकर में घूम रहे हो? तो चलिए बन जाता है ऐसे भी हमारा। देखिए ऐसे मुँह उसका खुला खुला ही है। तो चलिए चैनल से जुड़े रहिए, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर देना। यही होता है यार, बहुत परेशानी है, बड़ी बात, किसी को हम जानते नहीं हैं कौन क्या है। और गर्मी से बेहाल गंजी पे हैं, बन जाते तो सबको ठंडा ठंडा हवा देते हैं। बाबू क्या कर रहे हो? पहले उठती है तो सबसे ज्यादा गर्मी उन्हीं को लगती है। अरे अरे पापा आजा बेटू आजाओ आजा। ये देख, ये होता है क्या है, देख लग जा। पापा बुलाएंगे तो आएगी नहीं? पसीना देख सकते कितना हो गया, वो गंजी पूरा भीग गया है। ये तो सोई है, हम तो नहीं सोए। हाँ सोए हैं, तुम से पहले उठे हम, पता है हम 8 बजे का उठे, पूछो रवि से। अच्छा जी, चलिए दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद, वो बन जाता है फिर देख आप लोग को दिखाते क्या दिक्कत हो रही है, क्या चेंज हो रहा है। ये 2 MCB भी जल गया था, चेंज कर रहे हैं भैया। मैं आ गया था थोड़ा ड्राई फ्रूट के शॉप पे, कुछ ड्राई फ्रूट लेने थे क्योंकि अभी कभी खाती है कोमल के हमें, कभी कभी खा लेते हैं, कभी हो गया हलवा खा लिया उसका, बहुत सारे आइटम बनते हैं। तो लेने आया हूँ, भैया को बता दिया हूँ क्या क्या चाहिए, अपना धीरे धीरे पैक कर रहे हैं। अब बाहर आ चुकी मार्केट में, गर्मी है ना, क्या बताऊँ। तो घर पर मैंने सारा काम सही करा लिया जो गड़बड़ था, एम सी बी वगैरह चेंज करा लिया, यहाँ से लेके निकलते हैं। देख सकते बड़ी गर्मी है, अभी मैंने नहाया भी नहीं है, चल के नहाऊंगा कि पहले सारा काम निपटा लेते हैं फिर उसके बाद नहाया धोने काम होगा। तो चलिए यहाँ से लेके सीधे घर पर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या लिया है हमने। गाइस नहा धो लिए हैं, नहाने के बाद भी ना राहत नहीं मिलता है, लेकिन क्या करें भाई, और जब मेरे लिए निकाले दाल चावल फर्स्ट क्लास, रोटी सब्जी, आम की चटनी, आज उन्होंने मेरे मन का पूरा आलू का भुजिया बनाया है। यार आप बनाओ आलू का भुजिया, वो भी खाने में बहुत टेस्टी बनाती हैं, क्योंकि इनके हाथ मुझे आलू मुझे बहुत प्यार लगता है, बिल्कुल जैसे मसाले ऐसा लगता है, नहीं बिल्कुल ऐसा। हाँ ये खाना निकाले, खाना खाते हैं, फिर रेडी होना है, फिर ड्यूटी जाना है, यही जिंदगी है। उठो नहाओ धो खाओ ड्यूटी करो भाई, करोगे नहीं तो खाओगे कहाँ से, और इसी चक्कर में हम क्या बताएं, बहुत परेशान हो जाते हैं। घर देखो, बाहर देखो, बच्चे देखो, बीवी देखो, सब देखना होता है। बीवी को भी देखते हो? देखेंगे नहीं, बीवी को तो कैसे, बीवी सही रहेंगी, देखना पड़ता है भाई सब कुछ। बीवी नहीं देखो सही नहीं रहेंगी का है, मतलब उनका भी हाल चाल लेना पड़ता है ना, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, खैरियत तो लेना पूछना पड़ेगा ना। चलो खाना निकालो आप। अरे वाह क्या बात है, कहीं आज प्लान है क्या जाने होने का? प्लान नहीं है यार। डेट पे जा रहे हो क्या? हाँ। किसके साथ? चलोगी? तुम्हारे साथ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे यार, हम बूढ़े हो गए हैं। डंडा वंडा दिलवाते हैं, बैठ जाओ घर में आराम से। डंडे की जरूरत है लेकिन अभी नहीं, बाद में, क्योंकि अभी बच्चा हमारा छोटा है, थोड़ा सी बहुत थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी हो जाएगी, तब डंडे की जरूरत पड़ेगी। अभी कौन सा बड़ा हूँ?
अभी मीडियम वाले बूढ़ा है, जैसे कि थोड़ा सा काम करो पूरा शरीर दर्द करने लगता है, पैर हाथ दर्द करने वो वाली। हाँ शर्ट अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद पहने हो इसलिए और अच्छा लग रहा है। हमेशा वही टी शर्ट पहनते हो। हाँ भैया ब्यूटी अपना बरकरार रखो। ड्यूटी हमारा ड्यूटी रहता है। जब ब्यूटी रहेगा तभी तो ड्यूटी रहेगा जो भी है। अब वैसे भी जाते हो आप वहाँ पे, खूब सारी लड़कियाँ वगैरह आती हैं। लड़कियाँ बहुत आती हैं, बहुत लड़कियाँ आती हैं वहाँ पे। देखो कैसे बता रहे हो, जो बात है सच बता रहे हो, तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसे कौन बोलता है? खाना वाना खा लिए? हाँ खा लिए, दाल चावल मिर्ची बना था आज, मेरे मन का सब्जी बनी दो बार खाया मैंने। अरे बाप रे बाप, चलो भाई साहब इधर खा लिए, कौन भाई को खा के गए, बड़ा स्माइल कर रहे हो। अच्छा बाबू हमारी सोई है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो गया हूँ और बाबू भी उठ गई हैं और उनकी मम्मी सेल्फी ले रही है। देखिए तो क्या जी क्या कर रही हो, सेल्फी ले रही हो? तो इनको पता लग गया पापा जा रहे हैं ड्यूटी। अब काजल लाल सोई थी, पूरा उठते ही ना रोने लगी तो पूरा पोत ली। अब चलो बेटू पापा जाए ड्यूटी, क्या देख रहे हो आप? ओ मम्मा भी नहीं है क्या बाबू को? तो इनकी मौसी आज हैं, कल चली जाएंगी, टिकट हो गया है और कल का टिकट है वही पुरानी ट्रेन जो हमारे गांव तक जाती है। क्या जी क्या कर रही हो, है ये क्या कर रही हो कब से तुम? और फोटो ही नहीं बन पा रहे हैं। बेटा बेटा मम्मी लड्डू फूटा, मम्मी लड्डू फूटा, मौसी खाना खिला रही। खा लो बेटा खा लो, मौसी कल चली जाएगी ना। मौसी का ताट 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 नहीं खाना, पापा खाते खाना देख रही हूँ। हाँ बाबू आज हेलमेट लगाते बहुत क्यूट लग रही थी, लेकिन सो के पहले जो ना पानी पिलाओ, सो के उठे ना पहले पानी पिलाओ। तो चलिए आज रहेंगी लवली, कल इनका टिकट है चली जाएंगी, इनके भाई का भी टिकट है, तो कल सुबह सुबह का टिकट है। तो आज टिकट हुआ है, टिकट मिल नहीं रहा था, कैसे कैसे टिकट हुआ हमें पता है। लो जी पकड़ो बाबू को चलेगा और हमारे ड्यूटी प्रस्थान करने का टाइम हो गया है। लो पकड़ो जल्दी, कोई जाएगी नहीं किसी के पास इस टाइम, इस टाइम कोई ला ले जल्दी जाए। नहीं 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 भाई, चलो चलते हैं यहाँ से, विदा होते हैं। हम भी चलते हैं अपनी ड्यूटी पे, काम करके फिर आते हैं, कल फ्राइडे है तो चार सपोर्ट बनाए रखिए और कल देखते हैं कल कितने ये लोग निकलते हैं। वैसे ट्रेन तो 11:30 का है, घर से निकलना पड़ेगा 9:30 के आसपास। तो बाय बाय बाबू, बाबू बाय बाय, देखो बाय बाय बाबू, अभी नहीं देखे थी मम्मा के फोन में बिजी है। चलो बाय बाय।